सो वेल हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इनटू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो वेल गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्री फायर नो टॉप अप कलेक्शन आईडी के बारे में। सो वेल गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी नो टॉप अप कलेक्शन आईडी जो की रिजर्व है सीजन 2 की, यानी कि आपके सीजन 2 की आईडी जो की था आपका हिप हॉप इलाइट पास। गाइस आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उस बंदे की आईडी जिसने गाइस सीजन 2 से फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा था। एंड गाइस हम ये भी चेक करेंगे कि आखिर इस बंदे ने अगर सीजन 2 से खेलना स्टार्ट करा है तो क्या इसने सीजन 2 का इलाइट पास बाय करा है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जो भी अब तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो फटाक से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ के यार ये एक डिस्क्लेमर है उन बंदों के लिए जिन्होंने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। तो गाइस यार अभी क्या हो रहा है ना, फिर से यूट्यूब का जो ग्लिच है वो चालू हो चुका है एंड यूट्यूब के हर बंदे के सब्सक्राइबर माइनस हो रहे हैं। तो एक बार जाके गाइस यार चेक करना मत भूलना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं, क्योंकि इधर अपने आप ही लोगों के जो चैनल है वो अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। तो चेक करना मत भूलना। चलो गाइस बिना देरी करे शुरू करते हैं। इधर हम एंटर कर चुके हैं अपनी आईडी में एंड गाइजर इस आईडी की अगर मैं आपको रैंक दिखाऊं तो आप चौक चौके, क्योंकि सर ये बंदा है हमारे मास्टर रैंक पर मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरी पहली नो टॉप अप कलेक्शन आईडी होने वाली है जिसका जो ओनर है वो ग्रैंड मास्टर पे पहुंच रखा है। एंड गाइजर एक बार इसके जरा टोकन पे तो गौर करो, पास है 46,000 रैंक टोकन। एंड ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब गाइजर बंदा मास्टर रैंक पे होगा तो 46,000 रैंक टोकन होना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सो गाइस रैंक वैंक तो हमने इस बंदे की देख ली है, अब गाइजर देखते हैं कि आखिर इस बंदे के पास कौन कौन से कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हमारा के कैरेक्टर, उसके बाद हमारा ये वाला कैरेक्टर आता है, उसके बाद हमारे बहुत ही सारे इस बंदे का कैरेक्टर है जो कि मेनली सबके साथ फ्री में ही देखने के लिए मिलते हैं। बस एक ही डायमंड वाला कैरेक्टर है जो कि इस बंदे ने मुझे बताया था कि यार इसके पास जो दूसरी आईडी थी जिसमें इसका लेवल लगभग 20 के समथिंग था यार, उसमें इसका 10 रुपए वाला एड्रॉप आया था, तो इसने वहां से आलोक ले लिया था जिस दिन स्टोर में 50% का ऑफ चल रहा था। उसके अलावा किसी इसके पास जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे फ्री में आए हुए हैं या फिर आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ कॉइंस में। इधर हमने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है इसका कैरेक्टर सेक्शन। अब बढ़ते हैं इसके वॉल्ट की ओर। तो यार वॉल्ट में आपको देखने के लिए मिल जाती है स्टार्टिंग में ही 80-92 के समथिंग हेड मास, या फिर आप कह सकते हो कि सर के बाल जो भी मतलब डिजाइनर चीजें हैं ये सब कहीं सर इस बंदे के पास है। आप इधर देख ही पा रहे हो इस बंदे के पास बहुत ही सारे विग्स हैं जिससे कि आप इधर देख ही पा रहे हो, एंड मेनली जितने भी विग्स हैं सारे के सारे फ्री के आए हुए हैं। अब इधर हम आ जाते हैं इसके फेस मास्क पे, तो फेस मास्क भी मेनली सारे के सारे फ्री है डायमंड रॉयल के, एंड जहां तक है दो है इसमें से इलाइट पास। इस बंदे ने मुझे मेनली बता ही दिया था कि इसने वो जो इलाइट पास बाय करे थे वो गाइजर इस बंदे ने बाय करे थे अपने बहुत ही इजीली बाकी बंदों से बैट लगा के जीत। तो इसने गाइजर एक बहुत ही लिमिटेड टाइप के अंदर मास्टर रैंक कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाया था अपने दोस्तों के सामने एंड बैट लगाई थी कि अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो वो इसको इलाइट पास इस बास करके दिया करेंगे। इधर आप इसकी जैकेट देख पा रहे होगे जो कि मेरे हिसाब से इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा इस नाइट क्लाउन से भी ज्यादा रेयर चल रही है। एंड ये गाइजर आपकी सीजन 5 की गोल्ड जैकेट है जिसकी वैल्यू अभी के टाइम पे फ्री फायर में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इधर इतनी तो अब की गोल्ड जैकेट फेमस नहीं है, यहाँ तक कि हीरोइक भी इतनी फेमस नहीं है जितनी पुराने टाइम की गोल्ड जैकेट है। पुराने लाइट पास हो रहा है या थोड़े बहुत लाइट पास होना इस बंदे की आईडी में बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इसे जब बंदा किसी गेम को बहुत पुराने टाइम तक खेलता रहता है एंड मेनली फ्री फायर को, तो अगर कोई बंदा 6 महीने भी खेल लेता है तो कहीं सर उसके बाद उसका जो मन है वो एकदम खत्म हो चुका होता है फ्री फायर से। एंड कहीं सर उसका जो मजा आता है ना उसे सिर्फ डायमंड टॉप अप करने में आता है, अपनी जेब खाली करने में। एंड फिर क्या होता है वो बंदा अपनी आईडी में डायमंड स्पेंड करना शुरू कर देता है जिसका कोई रीजन ही नहीं होता है। डायमंड टॉप अप करते करते उसे पता भी नहीं चलता है कि आखिर उसने कितने पैसों की डायमंड टॉप अप कर ली है। एंड ये मैं आपको अपने फ्रेंड के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मेरे फ्रेंड ने भी अपनी आईडी में 30,000 से भी ज्यादा के डायमंड परचेस कर रखे हैं। एंड गाइस अगर हम बात करें उसके आईडी के प्राइस की, तो आज के टाइम पे तो कोई बंदा 2,000 में भी उसकी आईडी खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे कोविड का पेंडेमिक चल रहा था उसी तरह फ्री फायर का भी पेंडेमिक चल रहा है फ्री फायर बैन होने के बारे में। एंड गाइस अगर फ्री फायर बैन की न्यूज चल रही है तो कौन ही बंदा होगा जो किसी आईडी को खरीदना चाहेगा। इसके अलावा आपको इसकी आईडी में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली होंगी जैसे कि सीजन 10 की हीरोइक शर्ट, तो इसे देख के एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये बहुत बंदा बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से हीरोइक क्रॉस करता आ रहा है। अभी इसने मास्टर तो कर ही लिया है एंड काफी जल्दी ग्रैंड मास्टर भी क्रॉस कर ही लेगा। उसके अलावा गाइस इस बंदे के पास बहुत ही सारे डायमंड रॉयल के बंडल है एंड वेपन रॉयल के बंडल है। बंडल अरे भाई ये क्या कह रहे हो यार, वेपन रॉयल में तो कोई बंडल ही नहीं मिलता है, उसमें तो गन स्किल्स मिलती है। अरे हाँ भाई सही कह रहा है, किसी चूतिया सा यूट्यूबर है, इसे यही नहीं पता कि डायमंड रॉयल एंड वेपन रॉयल में कितना फर्क होता है। एंड गाइस ये जो अभी आपने पीछे दो आवाजें सुनी यार, ये मैंने ऐसी मजे मजे में आपको हंसाने के लिए नहीं डाली है यार, ये मैंने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए डाली है, ऐसा बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे। लेकिन गाइस ये मैंने उन बंदों के लिए डाली है जो कि मेरे को कमेंट करते हैं कि क्या यार कैसे यार तुम्हें यही नहीं पता कि कहाँ के बंडल है। ऐसा कुछ नहीं गाइस, मैं सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए सब करता रहता हूँ, ओनली फॉर वॉच टाइम।
सीधा हमने कर दिया है वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप क्योंकि बोर हो जा रहा था। अगर हम बंडल्स देखें तो इसके आईडी में बंडल्स की कमी नहीं है, बंडल्स ही बंडल्स है, बंडल्स ही बंडल है, बंडल 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 ही बंडल है। वैसे तो मैंने इससे भी ज्यादा बंडल्स वाली आईडी दिखा दी है, बट मैं इसमें ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसके आईडी में कुछ इतना खास बंडल्स तो है नहीं, ऐसी बस एवरेज लेवल की आईडी है, तो इस वजह से थोड़ा बोर भी हो रहा है। तो इस वाले को अभी हम और ज्यादा अल्ट्रा फास्ट लेवल पे कर देते हैं एंड जल्दी से इस पार्ट को खत्म करते हैं। इधर अब हम स्टार्ट कर देते हैं इस बंदे के फीमेल कलेक्शन से। तो फीमेल कलेक्शन आप देख पा रहे होगे यार, इतना बड़ा इसका मेल कलेक्शन नहीं लगा मुझे जितना बड़ा इसका फीमेल कलेक्शन, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस बात है क्योंकि हर बंदे की आईडी में जो उसका मेल कलेक्शन होता है वो गाइस फीमेल कलेक्शन से छोटे होता है। कुछ क्लोज ऐसे होते हैं जो कि जो एक मेल कैरेक्टर होता है वो फीमेल कैरेक्टर के नहीं पहन पाता, लेकिन ये जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो मेल कैरेक्टर के वेयर करता है। बाकी तो गाइस आप इसके बाद बंडल देख ही पा रहे होगे यार, इस बंदे के पास कितने ही सारे बंडल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं पहली बार ही देख रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत ही दिनों से फेल को खोला ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे बंडल्स ऐसे हैं जो कि बहुत बार ही देख रहा हूँ, बहुत ही दिनों बाद देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं नोट ऑफ कलेक्शन आईडी में बहुत ही कम वीडियोस हैं जिसमें मैंने फीमेल कलेक्शन भी दिखाया है। इसी देखो इस बंदे के पास अपनी क्वीन ऑफ द रिंग का बंडल भी है एंड सच मेरा सबसे पहला गोल्ड रॉयल का बंडल था। एंड सच में कहीं जब मेरे को ये बंडल निकला था ना तब मेरे को फ्री फायर में सही से गन चलानी भी आती थी एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर फ्री फायर में स्किन होती है उनका काम क्या है। मतलब ये समझ लो कि मेरे को फ्री फायर चलाए हुए सिर्फ एक ही हफ्ता एंड मैंने सिर्फ 3-4 स्पिन करे थे एंड चौथे स्पिन में ही मेरी फीमेल कैरेक्टर का बंडल निकल गया था। एंड सच में मैं ऐसे खुश हो रहा था जिससे मेरी कोई लॉटरी निकल गई, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि आखिर ये रॉयल रॉयल होते क्या है यार। मुझे को लगा कुछ ऐसे बहुत ही तगड़ा अवार्ड होगा जो किसी मुझे ही मिला है एंड मैं खुश होने लगा। एंड इसी से याद है, अगर किसी आप मेरा आईडी कलेक्शन देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करना। उसके अलावा इधर आप इस बंदे का कलेक्शन देख ही पा रहे होगे, लगभग एंड ही होने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे इस बंदे के गन कलेक्शन पे। इससे मेरे को लग रहा था कि इस बंदे के पास फुल बॉडी में इतने सारे बंडल्स होंगे, लेकिन यार इसके बाद तो बहुत ही सारे बंडल्स है फुल बॉडी में। जहां तक गाइस इधर हमारे हो चुका है फैशन आउट एंड गाइस अब हम चलते हैं इस बंदे के इमोट एंड इसके गन कलेक्शन पे। इधर इस बंदे के पास इमोट देख पा रहे होगे, लगभग 23 के समथिंग इमोट्स हैं एंड गाइस इधर आप देख के समझ ही चुके होंगे कि गाइस ये बंदा भी इन्वेस्ट करता है अपने पार्टी हाउस वाले इवेंट में जो कि आपका आता है फ्री फायर में। एंड उसमें बहुत ही कम में इवेंट्स निकाल सकते हो, आई मीन इमोट्स निकाल सकते हो, बहुत बहुत रेयर रेयर एंड बहुत बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे इमोट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐड हो सकता है कि वो आपके कम स्पिन में निकल जाए, तो इसलिए अगर आप मेरे से सजेशन मानोगे तो कहीं मैं तो आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि जब भी लो तो इमोट पार्टी वाला इवेंट ही लिया करो, कभी भी इमोट शॉप से बाय मत करा। बाकी तो इधर बंदे का इमोट सेक्शन भी खत्म हो ही चुका है, एनिमेशन में कुछ है नहीं इस बंदे के पास। बाकी यार इधर देखो इस बंदे का बहुत ही सारे स्टार्टिंग के बैकपैक है वो तो इलाइट पास। इधर इलाइट पास से मुझे याद आया कि इस बंदे को कुछ ज्यादा ही दिनों बाद चुली चढ़ी है, अगर इसने जब फ्री फायर गेम खेलना स्टार्ट करा था तभी चढ़ चुकी होती तब कहीं ये इलाइट पास बाय कर लेता, तो अपनी आईडी बहुत ही आराम से सेल कर सकता था एंड जिसकी आईडी की प्राइस थी वो इधर अच्छे खासे प्राइस में होकर के भी बिक जाती। बाकी इधर आप इधर देख पा रहे होगे एंड होने वाला इसका पैराशूट सेक्शन, एक स्काईविंग एंड बाकी इधर इधर स्केटबोर्ड देख पा रहे होगे। इस बंदे के पास कितने सारे स्केटबोर्ड्स हैं एंड सारे के सारे फ्री में आए हुए हैं या फिर एलाइट पास के स्केटबोर्ड्स हैं। मेरे को नीचे स्टार देके बताना कि आखिर कहीं सर आप इस वाली वीडियो को या फिर आप कहते तो आज की इस वाली आईडी कलेक्शन को क्या रिव्यू देना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही हल्का फुल्का रिव्यू मिलेगा क्योंकि ये वाली आईडी कोई इतनी अच्छी आईडी नहीं, एकदम कैजुअल सी ही नॉर्मल आईडी थी जो कि एक एवरेज नो टॉप अप कलेक्शन वाले बंदे की होती है। बस फर्क इतना था कि यार ये बंदा फुल्ली रैंक पे फोकस करता है, बंदे की जो रैंक है वो बहुत ही तगड़ी है, लेकिन इसने आईडी को एकदम एवरेज ही बना रखा है, मतलब आईडी में कुछ इतना खास करना ही नहीं चाहता है। बाकी इधर वॉल्ट हो चुकी है इस बंदे की खाली, अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके गन कलेक्शन से। तो एंटर
करते ही M4A1 की स्किन जो कि यूजली हर आईडी में होती है, AK-47 एंड इसकी पार्टनर स्किन्स उसके M14 स्कार एंड बाकी सारी नॉर्मल सी गन स्किन्स हैं। वेल, अगर हम बात करें फमास की इस वाली गन स्किन की, तो यार याद करो ये भी फ्री में ही आई थी। बस आपको इसके लिए एक इवेंट दिया गया था जो कि एकदम फ्री का इवेंट था, आपको उसमें ड्राइंग करनी थी एंड आपको देखने के लिए मिल रही थी ये फमास की गन स्किन। बाकी गाइस इसके आईडी में बहुत ही सारी अमेजिंग या फिर आप कह सकते हो बहुत ही सारी एवरेज गन स्किन्स हैं। सो वेल गाइज़, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाक से जाके वीडियो को लाइक कर देना एंड जो भी बंदा चैनल पर नया आ रहा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए, वो भी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।